हरीशा जाफरानी तोहफा रानी याद रखो जुबानी ये दुकान है पुरानी इसको खाते हैं खानदानी खाए बूढ़ा पाए जवानी ना इसमें कोई दुख ना कोई बीमारी आइए खाइए खाते रहिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम होता है इसको फजर के बाद ही खाया जाता है क्योंकि इसके फायदे हैं बहुत सारे जैसे कि कमर में दर्द है हड्डियों में दर्द है और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं क्योंकि इसको खाने से फिर सर्दी महसूस नहीं होती है 90 साल पुराना है कम से कम 90 साल तो जो यहाँ पे जो काम कर रही है वो चौथी जनरेशन है जो यहाँ पे काम कर रही है सर्दी बहुत है तो लोगों को बुखार होता है और जुकाम होता है खांसी होती है इनको मतलब ये अच्छी चीज है इसे फायदा नहीं होती है डॉक्टर बोलते हैं खाओ मतलब ये अच्छी चीज है ये ना मैं मोहम्मद मैं 7-8 साल से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे तो ये दुकान है 90 साल पुरानी है तो ये हरीशा की दुकान है तो हरीशा पहले नंबर ये मिट्टी के बर्तन में बनेगा तो इसमें पहले नंबर चावल जाएंगे उसके बाद मीट जाएगा उसके बाद जाफरान जाएगा और भी बहुत सारे गर्म मसाले जाएंगे क्योंकि इसको खाने से सर्दी महसूस नहीं होती है ये एक ऐसी चीज है और इसमें जो मीट जाएगा वो सिर्फ रान और फाइबर जाएगी तो पहले इसमें चावल डाले जाते हैं तो उसकी एक पेस्ट बनाई जाती है चावलों की तो फिर उसके बाद मीट डाला जाता है फिर उसके बाद डाला जाता है जाफरान डाला जाता है और भी मतलब जैसे कि गर्म मसाले होते हैं इलायची होती है सौंफ होता है मतलब गर्म मसाले इसमें बहुत सारे जाते हैं क्योंकि फिर इसको खाने से सर्दी महसूस नहीं होती है ये सुबह 9 बजे स्टार्ट होगा बनना तो फिर कल सुबह मॉर्निंग में 3 बजे ही तैयार हो जाएगा तो उसके बाद उसको हड्डियां वापस निकाली जाती हैं तो जब सुबह हम आते हैं 3 बजे तो फिर उसको हड्डियां वापस निकाली जाती हैं उसके बाद उसको पंजा दिया जाता है तो उसके बाद ये सर्व किया जाता है यहाँ पे जी ज्यादातर ये कश्मीर के लोग खाते हैं तो और उसके बाद टूरिस्ट भी आते हैं हमारे पास बहुत जो भी टूरिस्ट आते हैं बाहर से तो वो माशाल्लाह यहाँ से हरीशा खा ही के जाते हैं हरीशे के बिना वो नहीं जाते हैं Да, пожалуйста. 610. Сейчас, вот. Сейчас, вот.